नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल RKLET.in पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान SI RPSC तथा रीट परीक्षा में हुए नकल और फर्जीवाड़े के बारे में कि इन परीक्षा में हुए नकल और फर्जीवाड़े को लेकर छात्रों में सोशल मीडिया में मुद्दा बना हुआ कि इन परीक्षाओं को पोस्टपोन या रद्द किया जाए तथा इन परीक्षाओं को दोबारा से सुचारू रूप से करवाया जाए बिना किसी नकल और फर्जीवाड़े को लेकर। तो दोस्तों, छात्र वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में उनके साथ बेरोजगार महासंघ एकीकृत के जो उपाध्यक्ष उपेन यादव जी उनके साथ खड़े हुए हैं। रीट 2021 SI 2021 के अभ्यर्थियों को न्याय मिले और भविष्य में पेपर लीक फर्जीवाड़े करने वाले के खिलाफ गैर जमानती कानून बने, जिसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। छात्रों की सिर्फ यही मांगे हैं कि रीट तथा SI भर्ती पोस्टपोन हो तथा डोटासरा जी शिक्षा मंत्री डोटासरा को बर्खास्त किया जाए और रीट और SI परीक्षा में हुआ नकल और फर्जीवाड़े की CBI से निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए। तो इस परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहना है कि पेपर की सील खुली मिलने की बात बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब यही है कि छात्र गलत है और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सही है। कई अभ्यर्थियों को कुछ मिनट की देरी की वजह से परीक्षा से वंचित कर दिया गया। 6 बेरोजगार अभ्यर्थियों पर राज्य कार्य का मुकदमा दर्ज किया गया। जगह जगह पर पेपर खुले दिए गए और सुबह व्हाट्सएप पर पेपर लीक किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी साहब, ये कोई तालिबानी नहीं है, ये वो बेरोजगार छात्र है जो अपने साथ हुए अन्याय और अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको सरकार लाठीचार्ज के माध्यम से दबाने की कोशिश कर रही है। छात्रों की सिर्फ यही मांगे है कि SI तथा रीट परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए तथा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को बर्खास्त किया जाए तथा CBI से इस परीक्षाओं की निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए। तो इसकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट RKLET पर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट RKLET पर आएंगे तो रीट तथा SI की लेटेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप हमें सरकारी नौकरी की ताज़ा खबरों के लिए टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वेबसाइट RKLET पर आप शिक्षा तथा एजुकेशन संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, वो हमारी वेबसाइट RKLET पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर बताना कि SI तथा रीट भर्ती है वो पोस्टपोन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो SI तथा रीट परीक्षा है वो पोस्टपोन होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की जानकारी वो अपने दोस्तों को भी मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।